हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एजेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के बारे में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो गाइस, जिसने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले अपन फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में पता कर लें। एक दो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कुछ, तो फ्लूड मैकेनिक्स क्या होता है? द फ्लूड मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ फ्लूड एट रेस्ट। ठीक है, एक टाइप तो फ्लूड स्टैटिक होता है, फ्लूड काइनेमेटिक होता है, फ्लूड डायनेमिक्स होता है। फ्लूड डायनेमिक्स में क्या होता है? द स्टडी ऑफ मोशन इन द फ्लूड इन द मोशन। ठीक है, जब फ्लूड मोशन में होता है तो उसकी स्टडी जब करते हैं तो फ्लूड काइनेमेटिक्स होता है। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द फ्लूड मोशन। तो यहाँ पे फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, बट हियर द फोर्स विल ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें अपन फ्लूड के टाइप्स कितने होते हैं। तो फ्लूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आइडियल फ्लूड होता है, रियल फ्लूड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, कंप्रेसिबल फ्लूड एंड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं। ठीक है गाइस, अब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको रिलेट करता है? तो गाइस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले अपन डिस्कस कर लिए एक मिनट के लिए। ठीक है, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन रहेगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो गाइज, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, तो एक जो नीचे वाली प्लेट है उसका जो आपको वेलोसिटी दी हुई है वो क्या? म्यू दी हुई है। और ऊपर वाली प्लेट की जो वेलोसिटी वो क्या है? म्यू प्लस डी यू है। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि सरफेस के पास में फ्रिक्शन लगेगा तो वेलोसिटी कम रहेगी फाइनली। उसके बाद यहाँ पे क्या, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन दिया हुआ कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, तो थीटा से डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे जो जितना डिफॉर्मेशन लेंथ हुआ है वो क्या डी ए, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी वाई है। ठीक है गाइज, तो अपन एक लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू टी होता है। तो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है? डी यू वेलोसिटी ज़्यादा है इंटू डी टी। ठीक है, अब इस डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस डी थीटा को डी थीटा इज इक्वल टू डी ए बाई डी वाई में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया, अब इस डी ए की जगह मैंने वैल्यू पुट की डी यू इंटू डी वाई, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आया? डी थीटा का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ये मेरे पास एक रिलेशन बन के आता है यहाँ से। इस डी थीटा बाई डी यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन गाइज। ठीक है, इसको याद रखना, टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना अपना टाउ भी ज़्यादा होगा, तो एक रिलेशन होता है फाइनली मेरे पास, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, इसी को बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है गाइज, तो ये किस पे डिपेंड करता है? डायनेमिक विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, और डी थीटा मतलब एक तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में क्या रहेगा, एक तो ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है म्यू पे, और दूसरा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, तो बी विल बी द आंसर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड विच डिटरमाइन इट रेजिस्टेंस टू द शियरिंग स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज। तो रेजिस्टेंस ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जब अपन फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? गाइज विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? एक लेयर और दूसरी लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, दैट कॉल्ड इज विस्कोसिटी। सर्फेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है उसको सर्फेस टेंशन बोला जाता है। एडेशन क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप्स के मोलिकल्स के बीच में जो बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन बॉन्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? एडेशन बोला जाता है। और कोहेजन क्या होता है? सेम मोलिकल, सेम टाइप के मोलिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हो द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूड ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, किसके कारण होता है? इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स दैट डेवलप्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूड। ठीक है गाइस, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन द कैपिलरी राइज विज बी। तो गाइज आपने एक देखा होगा इस टाइप का कोई कंटेनर है, अगर मैं उसमें एक पतली सी रोड मतलब नली डाल देता हूँ तो पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो देट इज कैपिलरिटी। अब ये बोला गया कि अगर कैपिलरिटी में अपन क्या करते हैं जब उसका डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो क्या क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो फाइनली देखो अगर ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस टाइप का मैंने कोई ट्यूब अंदर डाला, इस ट्यूब का डायमीटर डी है, इस टाइप से यहाँ पे सर्फेस टेंशन क्रिएट होता है इस नली के ऊपर में। ठीक है, तो गाइज इसका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले का क्या होता है? फोर सिग्मा कोस थीटा बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है गाइज, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन का, फोर सिग्मा कोस थीटा बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी होता है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो एच है आपका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वन अपॉन डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ से। ठीक है गाइज, ये अब उसने पूछा ऐसा है कि अगर मैं हाइट को डबल कर देता हूँ तो उस पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो अगर मैं डाया को डबल कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? इस डायमीटर को डबल कर रहा है, तो आप ये लिख सकते हो ना कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका डायमीटर डबल होता है तो एच हाफ हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो अगर डायमीटर डबल हुआ तो एच क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, पहली चीज़ है। दूसरा क्या होता है, ये जो कैपिलरी होती है किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से होती है, और किसकी वजह से? एडेशन की वजह से। ठीक है, एडेशन या कोहेजन ये कह सकते हो आप। तो इसमें प्रीडोमिनेंट क्या होता है? सरफेस टेंशन और कोहेजन प्रीडोमिनेंट होता है, और एडेशन का रोल थोड़ा सा कम होता है।
अब थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसकी होती है, वाटर के लिए 0 होती है और मरकरी के लिए 130 होती है। तो ये पूछा जाता है आपसे सारे क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, तो आपको पता होगा स्पेसिफिक वेट किसी भी मटेरियल का डिवाइड बाय वाटर का, तो ये क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है गाइस। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो यहाँ तो ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, या स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तो आंसर कुछ है ही नहीं अपना इसमें, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर हियर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, देखो गाइस कंप्रेसिबिलिटी किसकी अपोजिट होती है, आप यहाँ देख सकते हो के की अपोजिट होती है, के क्या होता है बल्क मॉडुलस होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर मान लो अपन सी से लिखते हैं तो वो किसके अपोजिट में हो जाएगी, बल्क मतलब आपकी वॉल्यूमेटिक बल्क मॉडुलस के अपोजिट होता है। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये कह सकते हो। तो कितना प्रेशर में चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम में कितना चेंजेस हो रहा है, प्रेशर में चेंज करने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माइनस, इजी लगता है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है प्रेशर बढ़ाएंगे तो। और यूनिट की क्या होती है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर में चेंज की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस, ठीक है गाइस। और आपका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। अब देखो इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात करें तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल कंप्रेस नहीं होगा मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो आप के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस इज द फ्लूड इज द रेशियो ऑफ, अब देखो यहाँ पे पूछा हुआ के किसका रेशियो होता है, तो अभी अपनों ने बात की थी के क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है। तो यहाँ पे था कुछ फॉर्मूला, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सी विल बी द आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर पे क्या होगा, तो अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे ठीक है तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, किसकी, एयर की और वाटर की। तो गाइस पहली चीज आप देख लो कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ठीक है तो फ्लूड इजीली फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब वाटर की अगर बात करें तो वाटर इजीली फ्लो हो जाएगा, मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब आप देख सकते हो कि वाटर की विस्कोसिटी तो क्या होगी, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीज, ठीक है, तो वाटर डिक्रीज, मतलब ये सही है दूसरा गलत, चौथा पे आपका गलत। अब लेकिन यहाँ पे एयर की विस्कोसिटी में क्या होगा, देखो एयर जब अपन एक कोई चैम्बर लेते हैं उसमें एयर के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये आपस में क्या होगी, स्ट्राइक होने लगते हैं, ड्यू इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इनके बीच में क्या हो जाता है, टकराते हैं तो बढ़ जाता है, उसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने शुरू हो जाती है, ठीक है गाइस। तो यू शुड रिमेंबर दिस, तो यहाँ पे इस टाइप से मेंशन किया होगा। देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने मेंशन की इसके बारे में, देखो एयर का एयर में क्या फिनोमिना होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल बहुत ज़्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ आएंगे तो टकराएंगे, टकराने की वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और इजीली मूव ना करने को ही अपन विस्कोसिटी बोलते हैं एक तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या, एक और लिखा हुआ यहाँ, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई, प्रेशर विल इफेक्ट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, यू शुड रिमेंबर दिस, एयर के केस में डिक्रीज करता है, लिक्विड पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड रिमेंबर दिस लाइन। तो यहां पे एयर में क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, डायनेमिक विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली। दूसरी चीज, वाटर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है, और प्रेशर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पे, वाटर पे, लिक्विड पे, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। कैपिलरिटी में सरफेस टेंशन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। अब देखो इसका जो आंसर है वो क्या है, एक्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू द एनी लाइन ऑफ द सर्फेस, आपने पढ़ा होगा इस टाइप से डायग्राम है ना, कि यहाँ पे सर्फेस टेंशन एक्ट करता है, उसी की वजह से क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक मतलब सर्फेस आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, देखो इसके बारे में डिटेल है। सरफेस टेंशन क्या होता है, प्राइमरी ड्यू टू कोहेजन, कोहेजन की वजह से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन होता है, एडेशन नेग्लिजिबल होता है यहाँ पे। कोहेजन क्या होता है, देखो अब कोहेजन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कोहेजन बोलते हैं, ये एक टेंसाइल नेचर का होता है, एग्जिस्ट बिटवीन फ्लूड पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एक्टिंग बिटवीन द सेम इंटरफेरेंस, ठीक है। और एडेशन की अपन बात करें तो एडेशन भी अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो बिटवीन द अनलाइक सब्सटेंस सर्फेसेस एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द सर्फेस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा हो, उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है, उसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर्ड टू द 0.0034 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पहली चीज से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ये आपको यूनिट्स में खेल खेलना है एक्चुअली, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये किसकी यूनिट होगी,
ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, यहाँ पे दो टाइप की विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक होती है, डायनेमिक होती है। तो ये जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, तो आपको पता होगा डायनेमिक विस्कोसिटी, और इसको न्यू से लिखते हैं अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, तो म्यू बाई रो, ये एक फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच रिलेशन, ये डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब वाटर के डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो आपके पास 1.3 गिवन है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है गाइस। तो आंसर्स देखते हैं इसका, यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है म्यू बाय रो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई, ठीक है। फाइनली मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की 0.0034 1.3 इंटू 1000, तो फॉर्मूले वैल्यू क्या आई, 12.6 इंटू 10^-6। तो क्या ऐसा आंसर है कुछ, 2.6 इंटू 10^-6 गाइस आंसर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो 2.6 है। अब देखो यहाँ पे दो मैंने ये लिखे हुए हैं इनकी यूनिट्स, जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, गाइस ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक और फॉर्मूला होता है केजी पर मीटर इनटू सेकंड, और इसको ऐसा भी लिखते हैं कि 10 पॉइज जो होता है, एक यूनिट और होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, उसको पॉइज बोलते हैं। 10 पॉइज इजिकल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद अपन ये न्यू की यूनिट है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है इसने, ये म्यू नहीं है न्यू है, ठीक है। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एक स्ट्रोक बराबर क्या होता है, 1 cm² per second होता है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर कैपिलरिटी वाला, इफ द कैपिलरिटी राइट ऑफ द वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 cm, तो राइज कितना दिख दिया, 3 cm का राइज है, डायमीटर 1 mm। द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इन वाटर 0.2 meter डायमीटर इन ट्यूब इज भी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो आपको, एक तो 1 mm डायमीटर दिया हुआ है, दूसरा दो तो डायमीटर आपको गिवन है, एक हाइट गिवन है, तो सेकंड हाइट पूछ रहा है। तो डायमीटर और हाइट के बीच में आपको रिलेशन ऑलरेडी पता है कि हाइट क्या होती है, 1/1 मिनट गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डायमीटर होता है ना वो किसके 1/h के रिस्पॉन्स ये होता है डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन अपना बना सकते हो, क्या d1/d2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, h2/h1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको एक हाइट दी हुई है, एक डाया दिया हुआ है, दूसरा डाया दिया हुआ है, h2 आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइज। तो आपका सॉल्यूशन देख सकते हो आप, देखो फाइनली मैंने फॉर्मूला लिखा है इस टाइप से, रिलेशन लिखा है h1/h2 d2/d1 लिखा हुआ है, और जब वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 15 cm विल बी द आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर क्या रहेगा आपका, 15 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, ठीक है। देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है, 0.0075, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो आपको प्रेशर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय द सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे तीन फॉर्मूले में लिखने वाला हूँ, पहला तो जब वाटर ड्रॉपलेट की बात करता है ना तो एक फॉर्मूला क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है, 4σ/d। जब मैं सोप बबल की बात करता हूँ, सोप बबल, तो उसमें क्या हो जाता है, 8σ/d, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और तीसरा होता है जेट की बात करता है तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2σ/d, बिना फॉर्मूले के तो गाइस क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले में अपना काम किससे, वाटर ड्रॉपलेट से, तो 4σ/d से अपना काम है। अब अपने को देखो ये प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर, तो सिग्मा की वैल्यू गिवन है, डायमीटर गिवन है, प्रेशर निकल जाएगा सिंपल, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीन फॉर्मूले मेंशन किए मैंने, 4σ/d, 8σ/d और लिक्विड जेट में 2σ/d। अपना काम किससे है, 4σ/d से अभी अपना काम है, तो 4 × σ की वैल्यू अपने को गिवन है ये लिखी, और डी की वैल्यू भी गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 newton centimeter, 0.4 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूड इज गिवन बाय 0.5 × 10^-11 पास्कल इनवर्स, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। तो गाइस आपको पता होगा बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के बीच में मैंने एक रिलेशन दिया था आपको इस टाइप से, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का अपोजिट होता है, तो सिंपल सी बात है, एक चीज आपको गिवन है तो दूसरी निकल जाएगी, तो के आपको निकालना है, तो के बाई 1/5 × 10^-11 आप करोगे, ठीक है गाइस। तो आंसर आ जाएगा आपका, अब ये आंसर आपका किस में आएगा, ये आंसर आपका आएगा अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आता है तो 20 × 10^2 × ये जो आपका आंसर आएगा ना गाइस वो ऐसा आएगा, 2 × 10^10 आएगा। लेकिन अपने को पता है कि 10^9 जो होता है वो 1 GPa के बराबर होता है, ठीक है गाइस, 10^9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकता हूँ, 20 GPa में लिख सकता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है आपको न्यू की वैल्यू, फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू बाय रो, पहली चीज। इफ द फ्लूड डायनेमिक विस्कोसिटी देखो गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना 1000 से, तो 0.4 इंटू
1000 करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा उसका डेंसिटी का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, अभी क्वेश्चन किया था आपने ऐसा, ठीक है। तो यही करना है, 0.05 डिवाइड बाई 400 ये आंसर आएगा आपका। बट यहाँ पे एक ट्रिक क्या है गाइस, जो आंसर पूछा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आंसर आपसे पूछा हुआ है ना वो किसमें पूछा हुआ है, काइनेमिक इसोचिन स्ट्रोक में पूछा हुआ है। और मैंने आपको अभी बताया था कि एक जो एक स्ट्रोक बराबर होता है वो क्या होता है, 1 cm² per second होता है, ठीक है गाइस। तो उस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो जो आंसर आपका आएगा वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगा। अगर इस मीटर स्क्वायर पर सेकंड को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा, 1.25 बचेगा, और साइन 1.25 विल बी द आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखना इस आंसर को अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.25 सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट थीटा दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू से दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो शेयर स्ट्रेस पूछा हुआ है, अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था आते ही, टाउ क्या होता है, म्यू अपॉन डी थीटा बाई डी टी, ये फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था यहाँ पे। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये अगर इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं और डी यू बाई डी वाई भी लिखते हैं इसको, अभी बताया था मैंने आपको स्टार्ट में, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट को थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा आंसर, टाउ इज इक्वल टू म्यू तो पहले ही था, इनटू थीटा हो जाएगा, तो म्यू इनटू थीटा आंसर हो जाएगा, सिंपल ए विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। देखो लीस्ट प्रेशर कौन मेजर करता है, तो मिली बार, mm ऑफ मरकरी, न्यूटन पर स्क्वायर या kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फाइनली, ठीक है। एक मिली बार क्या होता है, अगर एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें अपन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 100 न्यूटन पर स्क्वायर होता है मिली बार का। एक mm ऑफ मरकरी क्या होता है, 133.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक kgf है ना, किलोग्राम फेरेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, 98.1 × 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है, ठीक है, लिस्ट मेजर कौन कर पाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो क्या रहेगा यहाँ पे, एक मिली बार रहेगा आपका आंसर, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये ऑप्शंस मत देखना आपको, है ना, इस ग्राफ को देखना सिंपल, मैं बस ये इस तरीके से आपको चीज को डील करना है, इनसे कोई लेन देन नहीं है, इस तरीके से देखना ये ग्राफ एक्चुअली जो बनता है ना, ठीक है, ये जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है, यहाँ पे तीन ग्राफ बने जाते हैं ऐसे, और फिर ऊपर थोड़ा चल के फिर तीन ग्राफ बनते हैं यहाँ पे। तो आपको नाम पता होना चाहिए इस, मान लो मैं ए बी सी डी ई और एफ इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो, और यहाँ पे भी होता है एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आपको नाम सारे के पता होना चाहिए। तो अपन डायरेक्टली आंसर में ही डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो सबसे पहली जो ये लाइन होती है उस लाइन को क्या आइडियल फ्लूड बोलते हैं, उससे ऊपर जैसे ही अपन चलते हैं ये वाली लाइन उसको बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूड, और इसको शियर थिकनिंग फ्लूड भी बोलते हैं। सेकंड जो लाइन इस टाइप से जाती है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड, इससे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूड, और इसको बोलते हैं शियर थिकनिंग, हो गया ना ये इसको बोलते हैं शियर थिनिंग। उसके बाद ऊपर चलेंगे अपन तो इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं रियोपेक्टिक फ्लूड, फिर जो स्ट्रेट लाइन है उसको आइडियल प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक, और ऊपर वाली लाइन को थिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। तो गाइस ये पूछा जाता है आपको, इसी टाइप से ग्राफ दिया जाएगा, और कोई भी पूछ सकता है कि ए लाइन को क्या बोलते हैं, बी लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, देखो अब अपने को क्या पूछा हुआ है, उनके एग्जांपल्स पूछा हुआ है कि कंसंट्रेटेड शुगर, देखो डायलेटेंट फूड आ गया, बिंगम प्लास्टिक आ गया, सूडो प्लास्टिक आ गया, न्यूटोनियम फ्लूड आ गया, इनके एग्जांपल बताइए मुझे, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो न्यूटोनियम फ्लूड का जो एग्जांपल है सिंपल आपका वाटर है ना, और इस टाइप का होता है ना वाटर, केरोसिन, पेट्रोल आपका, ये सब क्या हो गया आपका न्यूटोनियम फ्लूड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एयर वगैरह हो गया, तो एयर का ये। अब देखो यहाँ पे सूडो प्लास्टिक फ्लूड का जो एग्जांपल होता है ना पी, जी जहाँ पे भी पी पी आएगा एक तो वो आपका सूडो प्लास्टिक होगा, और एक ब्लड जो है वो सूडो प्लास्टिक फ्लूड का एग्जांपल है। बिंगम प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, सीवेज शुगर है, और डायलेटेंट फ्लूड का कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। मैंने एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, देखो आप देख सकते हो डायलेटेंट फ्लूड क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन, बिंगम प्लास्टिक क्या होता है, सीवेज स्लज, और टूथपेस्ट को भी अपन बिंगम प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं। सूडो प्लास्टिक में क्या, देखो पेंट प्लम्प वगैरह जो यूज होंगे ना, और ब्लड आपका सूडो प्लास्टिक में होता है। न्यूटोनियन तो पता ही, एयर, वाटर, पेट्रोल, और थिक्सोट्रोपिक में प्रिंटर इंक आ जाता है। तो प्रिंटर इंक एग्जाम, ये सारे एग्जाम्पल गाइस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप से, कि एयर किसका एग्जाम्पल है, ब्लड किसका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूड कैन बी क्लासिफाइड एज ए नॉन न्यूटोनियन। तो गाइज जो जो आपका ये वाला इक्वेशन को फॉलो करता है, डी यू बाई डी वाई वाली इक्वेशन को, इसको अपन बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब आपको बताएं न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं, एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, तो केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, वाटर, ये आपके क्या हो गए, न्यूटोनियन। तो कौन कौन से बचे, ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट, ये क्या हो गए आपके, नॉन न्यूटोनियन हो गए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 विल बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, पॉइज हैज ए यूनिट ऑफ, तो गाइज अभी यहाँ पे मैंने आपको दो यूनिट बताई थी, एक तो क्या बताई थी पॉइज बताई थी, एक क्या बताई थी स्ट्रोक बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है पॉइज जो होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, स्ट्रोक किसकी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है पॉइज की, जो यूनिट होती है देखो एक पॉइज क्या होता है एक डाइन सेंटीमीटर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और अपने को म्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो देखो सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, केवल न्यूटन की जगह डाइन लिखा, डाइन लिख सकते हैं अपन, तो ये होता है। फाइनली एक और होता है इसका आंसर 10 पॉइज क्या होता है एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सरफेस टेंशन इन द सोप बबल, देखो गाइस सोप बबल की बात है, तो जैसे सोप बबल का नाम आया आपको एक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए 8 सिग्मा बाई डी इजिकल टू क्या होता है चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ये आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या डायमीटर दिया हुआ है, सिंपल डायमीटर की वैल्यू गिवन है, प्रेशर बिंग 2.5, तो प्रेशर की वैल्यू गिवन है, अगर ये वैल्यू गिवन है ये गिवन है तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे देख सकते हो 0.0156 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन के करीब हमने फ्लूड मैकेनिक्स के डिस्कस किए हैं गाइस, आने वाले समय में और भी सीएटीज के हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ठीक है तो गाइस अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और गाइस रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू गाइस।